लास्ट लेक्चर्स के अंदर में हमने मैथमेटिकल ऑपरेशंस के अंदर जितने भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉड, नेगेटिव, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, एब्सोल्यूट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, लिमिट फंक्शन, ये सारा कुछ हम लोग ने देख लिया था। स्क्वायर, स्क्वायर रूट, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल। अभी हम जो आज के लेक्चर्स के अंदर में देखने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर में जैसे साइन, कॉस, टेन, साइन का इनवर्स, कॉस का इनवर्स, टेन का इनवर्स, ये छह फंक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसको यूज़ कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं सबसे पहले साइन का वैल्यू। अब हमारे पास यहाँ पर एक इनपुट और एक आउटपुट मांग रहा है। एक इनपुट और एक आउटपुट लेने के लिए दो टैग लगेंगे हमको, तो हम टैग एक बार डिफाइन कर देते हैं इसमें। ELC टैग में जाकर डिफॉल्ट टैग टेबल में आएंगे और दो टैग डिफाइन कर देंगे। पहले टैग डिफाइन करते हैं ट्रिग इनपुट। और दूसरा टैग डिफाइन करते हैं टैग आउटपुट। ट्रिग मतलब ट्रिग्नोमेट्री। हमने ये दो टैग डिफाइन कर दिया है, हम इसको यहाँ पे लीगेबल कर देते हैं ट्रिग ट्रिग इनपुट। और दूसरा है ट्रिग आउटपुट। अब ये रेड क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे डेटा टाइप सिलेक्ट नहीं किया है। यहाँ से हम डेटा टाइप लेते हैं रियल, रियल टाइप डेटा टाइप ले लेते हैं। अब हम वैल्यू देखेंगे इसकी कैसे, इसको हम डाउनलोड करते हैं। हम लोग ने डाउनलोड किया, अभी ज़ीरो है, साइन ज़ीरो। उससे पहले हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि कैसे काम करेगा। देखिए साइन ज़ीरो का वैल्यू होता है ज़ीरो, साइन 30 का वैल्यू होता है 1.2, साइन 45 का √2/2, साइन 60 का √3/2 और 90 का 1। एक्चुअल में ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक लेता है रेडियंट वैल्यू, ये डिग्री के फॉर्म में वैल्यूज़ नहीं लेता, ये वैल्यू लेता है रेडियंट के फॉर्म में। अब रेडियंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है वो देखते हैं। अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं साइन 90 का। मान लो साइन 90, इसको बोलते हैं पाई बाई टू। साइन 90, 90 मतलब होता है पाई बाई टू। अब पाई बाई टू को कैलकुलेट करेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर। ये पाई ले लिया, उसको डिवाइड करेंगे टू से, ये टू से डिवाइड कर दिया इक्वल, ये हमारा आगे आंसर, ये हमारी हो गई रेडियंट वैल्यू। क्या हो गई? रेडियंट वैल्यू। तो हम इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से और यहाँ पे जाकर पुट करेंगे। अब हमारी जो वैल्यू आई है वो डेसिमल में है, इसलिए हम इसका फॉर्मेट चेंज करेंगे फ्लोटिंग वैल्यू में, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, और वो वैल्यू को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसको। ओके, अब देखिए जैसे ही ये वाली रेडियंट वैल्यू मैंने पुट किया, साइन 90 की वैल्यू दिखाने लगी 1। देखिए साइन 90 की वैल्यू होती है 1। वैसे ही अगर से आप देखते हैं कॉस साइन पाई बाई 3 का मतलब 60 का, तो आप यहां से निकाल लीजिए पाई डिवाइडेड बाय 3, इसका ये रेडियंट वैल्यू आ गई। अब ये रेडियंट वैल्यू को हम यहां से कॉपी करेंगे और उसको पेस्ट कर देंगे यहां पर। ये दिखा रहा है 0.866। अब ये भी रेडियंट के फॉर्म में दिखा रहा है, डिग्री के फॉर्म में नहीं दिखा रहा है। आप जब इस वैल्यू को यहाँ से √3/2 को कैलकुलेट करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब इसको भी अगर से करना है कैलकुलेट, तो हम यहाँ पे जाते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर में
हम लोग पहले इसको रूट थ्री बाय टू कैलकुलेट करते हैं। इसका वैल्यू आता है 0.866। यहाँ पर वैल्यू क्या आया है, 0.866024। यहाँ पर भी वही आया, करेक्ट। ये हमारा इतना वैल्यू यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आप साइन वैल्यू का यूज़ कर सकते हो। अगर से वही चीज़ मैं कॉस के साथ करूँ, इसको डाउनलोड करते हैं। हम अभी जो पढ़ रहे हैं ना, ये सिर्फ इन ब्लॉक्स का एप्लीकेशन है। बाद में आने वाले लेक्चर्स के अंदर में हम लोग इसके एग्जांपल्स देखने वाले हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है लाइव एग्जांपल के अंदर। देखिए, अभी कॉस 60 की वैल्यू है 0.5। कॉस 60 की वैल्यू, क्योंकि 60 वाला वैल्यू डाले थे हमने, कॉस 60 की वैल्यू है 0.5। अब 0.5 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 0.5 की होती है 1.2। 1.2 मतलब 0.5। वही चीज़ अगर से मैं 90 का लेता हूँ, तो 90 के लिए मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ यहाँ पर पाई डिवाइडेड बाय टू। ये वैल्यू को अगर से मैं लूँ यहाँ पर, तो हम सारे एग्जांपल्स जो देखेंगे वो पाई 90 के लिए ही देखते हैं, ताकि हमको इजी हो जाए। देखिए, पाई 90 के लिए वैल्यू आई है -4.37। अब इसमें देखते हैं वैल्यू क्या आती है। देखो, जीरो मतलब नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना, पाई 90 की नेगेटिव वैल्यू आ रही है। पाई 90 की यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है। नेगेटिव वैल्यू यूजुअली हम ट्रिग्नोमेट्री में लेते नहीं है, इसलिए वो जीरो हो गया। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री ऑपरेशन के अंदर में आप नेगेटिव वैल्यू नहीं फाइंड करेंगे, ठीक है। और यही चीज अगर से मैं 10 के लिए यूज करूं, टेन नाइन्टी की वैल्यू होती है भी माइनस अनडिफाइंड। देखिए, अनडायरेक्शन इस तरीके से। अगर से आपको एक्चुअल वैल्यू चाहिए तो 10 मैं लेके चलता हूँ, 10 0 की वैल्यू, 10 0 की वैल्यू लेके चलते हैं, 10 0 की वैल्यू लेते हैं, या फिर 10π/6 की वैल्यू लेते हैं, 10 30 की वैल्यू लेके चलते हैं। क्या आता है, 10 30 की वैल्यू लेके चलते हैं। पहले कैलकुलेट करते हैं 10 30 का क्या होता है, 10 30 क्या होता है इसमें, पाई बाई सिक्स। तो हम इसको यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले पाई डिवाइडेड बाय सिक्स, ये हमारी वैल्यू हो गई। और यहाँ पर इसको हम कर देते हैं पेस्ट, ओके। अब ये वैल्यू आई है 0.577-3703। अब ये वैल्यू 1030 के इसमें देखिए √3/3 है। अब इसको कैलकुलेट करने जाएंगे हम, थ्री बाय थ्री 0.577-7735 7735, करेक्ट। इस तरीके से ये हो गया हमारा साइन कॉस और टेन का। इसको यूज़ कहाँ करना है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। मैंने लास्ट लेक्चर्स के अंदर में ही बताया कि जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस का यूज़ है, वो हम लोग किसी फॉर्मूले को सेटिस्फाइड करवाने के लिए। अगर से मान लो आपका कोई गियर बॉक्स है, उसका टूथ रेशो निकालना है, या फिर आपको लगता है सरकमफेरेंस निकालना है, या फिर आपको लगता है कि कोई सर्कल का डायमीटर है, डायमीटर का फॉर्मूला लगाना है, या फिर कोई आपका लेंथ और शीट का फॉर्मूला लगाना है, उसमें आपका फॉर्मूला जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में आता है ना, फॉर्मूला जो है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में आता है। तो उस केस में आपको फॉर्मूला पुट करना पड़ता है, कैलकुलेशन के अंदर में फॉर्मूला पुट करना पड़ता है। तो अब जब फॉर्मूला पुट करना है, तो वहां पे साइन, टेन, कॉस इन सब की वैल्यू लेनी ही पड़ेगी। तो उस केस में आप इन ब्लॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो लॉजिक के अंदर। ये हो गया मेरा साइन, कॉस और टेन। अब हमारे पास और तीन चीज है, ए साइन, ए कॉस और टेन। ए टेन, ए का मतलब होता है इनवर्स। इनवर्स का मतलब कि जो अभी हमको जो ये आउटपुट में मिल रहा है, वो चीज हम इनपुट में देंगे,
और इनपुट की चीजें हमको आउटपुट में मिलेंगी। ठीक है, अभी हम लोगों ने रेडियंट वैल्यू यहां पर दिए डिग्री के फॉर्म में, ये वैल्यू हमको कन्वर्ट करके दे रहा है 10, 10 30 की वैल्यू ये है, पर अभी 10 इनवर्स इसकी वैल्यू इतनी आनी चाहिए, तो अभी हम इसको 10 इनवर्स करके देखते हैं। पहले साइन ले लेते हैं, साइन इनवर्स की वैल्यू लेते हैं। साइन 90 का हमने एग्जाम्पल लिया हुआ था, साइन 90 का हमने एग्जाम्पल लिया हुआ था, तो हम इसको डाउनलोड करते हैं और उसकी वैल्यू आई थी 1। तो अभी यहां पर 1 डालेंगे हम, यहां पे डालेंगे 1, मतलब कौन सी वैल्यू डाल रहे हैं हम, अभी ये वाली वैल्यू डाल रहे हैं, ये वाली वैल्यू डाल रहे हैं और हमको ये मिलना चाहिए, ये वैल्यू डाल रहे हैं, 1 डाल रहे हैं और हमको ये वाली वैल्यू मिलनी चाहिए। ओके, देखिए जैसे ही साइन इनवर्स, तो 1.5705, पाई बाई टू जब करोगे आप कैलकुलेट, पाई बाई टू की वैल्यू यही होगी, पाई डिवाइडेड बाय टू, देखिए सेम वैल्यू है 1.5707 तक, ये सेम वैल्यू यही आई है। मतलब इसने पहले हमने क्या किया था, साइन के थ्रू साइन 90 की वैल्यू ये आ रही थी, अभी क्या हो रहा है साइन इनवर्स 1 की वैल्यू 90 आ रही है, मतलब ए जो है वो इनवर्स इंडिकेट करवाता है। वही चीज अगर से मैं देखूं कॉस ए इनवर्स, पर यहां पर एक चीज याद रखना है कि ये हमेशा रेडियंट के फॉर्म में ही लेगा, ये हमेशा रेडियंट के फॉर्म में ही लेगा। अभी कॉस 90 का वैल्यू क्या है, जीरो, कॉस 90 का वैल्यू क्या है, जीरो, तो कॉस जीरो का वैल्यू हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, अभी कॉस जीरो, कॉस जीरो 1.5702, देखिए यही वैल्यू आई है 90, देख रहे हैं कॉस 90 की वैल्यू, 90 की वैल्यू है ना ये पाई बाई टू, चेंजेस नहीं हुआ, आपने साइन लिए तब भी ये चेंजेस, क्योंकि हमने 90 की वैल्यू डाले जीरो, पहले 1 डाले थे तब भी वो भी 90 थी, जीरो डाले वो भी 90 है। इस तरीके से अब वही चीज अगर से हम 10 के लिए यूज करते हैं, सॉरी 10 इनवर्स के लिए यूज करते हैं तो कैसा होगा, टेन इनवर्स में यहां पर जब देखेंगे तो अन डायरेक्शन है, तो हम इसमें से कोई भी एक उठाते हैं, 1 उठा लेते हैं, 1 उठा लेते हैं, 1 डालते हैं यहां पर, क्या होता है, देखिए 0.7853982, ठीक, 1, पाई बाय 4 की वैल्यू अगर से आप कैलकुलेट करोगे, पाई बाय 4 की वैल्यू आप अगर से कैलकुलेट करोगे तो सेम आएगी, देखिए सेम की सेम वैल्यू है, देख रहे हैं ये चीज। तो होप आपको ये समझा होगा, साइन कॉस टेन, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स, इन सब चीज़ों का यूज आप हमेशा अपने लॉजिक के अंदर में करेंगे जब भी कोई फॉर्मूलास का इंट्रोडक्शन होता है, जब भी आपको कोई फॉर्मूला का यूज़ करना होता है। तो आज के लेक्चर्स के लिए इतना ही, बाय बाय।